हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप घर में दीपक जलाते हैं तो उनमें रुई का क्या महत्व है, जो हम रुई की बाती लगाते हैं उन रुई की बातियों का क्या महत्व है। कभी कभी आपने एक रुई की बाती का दीपक जलाया होगा तो कभी कभी दो रुई की बातियों का दीपक जलाया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि 116 रुई की बत्ती वाला दीपक जलाने से क्या होता है, और इसी तरह से मैं आपको बताऊंगी कि 2 रुई का दीपक या 3 रुई का दीपक या 4 रुई का दीपक, इनको यदि हम जलाते हैं तो इनके क्या महत्व हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक तथा आटे से बनाए हुए दीपक। अब हम जानते हैं कि कौन सा दीप किस हेतु जलाया जाता है और कितनी बत्ती वाले दीपक को जलाने से क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बत्ती वाला दीपक, जिसमें कि हम एक बाती लगाते हैं। एक सामान्य दीपक है जो इष्ट देव से निवेदन के लिए हम इसको जलाते हैं। किसी भी देवी देवता की पूजा हेतु गाय का शुद्ध घी तथा एक फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक आवश्यक रूप से जलाना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी तरह 2 बत्ती वाला दीपक भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना के समय एवं माता सरस्वती की आराधना के समय तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए 2 मुखी वाला दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। जो भी विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यदि वो जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो 2 बत्ती वाला दीपक जलाती है तिल के तेल में या घी में, उन पर माँ सरस्वती की अनुकंपा बनी ही रहती है। तीसरा हम बात करते हैं, जो 3 बत्तियों वाला दीपक होता है वो गणेश भगवान की कृपा पाने के लिए रोजाना जलाया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि गणेश भगवान की कृपा आप पे बनी रहे तो हमेशा 3 बत्तियों वाला घी का दीपक आप जलाएं। अब बात करते हैं 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक। जी हाँ, 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक आप जलाते हैं तो वो भी बहुत शुभ होता है। भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और किसी भी प्रकार के जो आर्थिक संकट होते हैं वो भी हमसे दूर हो जाते हैं। अब बात हम करते हैं 5 मुखी दीपक। किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार के घटनाएं हो जाती हैं जिनसे कि हम कभी भी उभर नहीं पाते हैं, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हम भगवान से आराधना करते हैं कि इस प्रकार के कष्टों से उनको छुटकारा मिले। तो आप 5 मुखी दीपक को जलाएं। उससे क्या होता है कि अगर किसी प्रकार का केस या मुकदमा या किसी प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी फंसी हुई है तो उसमें ये दीपक बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं 7 मुखी दीपक। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य करें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। 8 या 12 मुख वाला दीपक। शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए घी या सरसों के तेल का 8 या 12 मुख वाला दीपक आपको जलाना है। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव आप पर प्रसन्न रहें, वो तो भोले भंडारे बड़े आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आप उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो 8 बत्ती वाला दीपक आप उनके समक्ष जला सकते हैं। 10 मुख वाला दीपक। जी हाँ, दशावतार की पूजा हेतु 10 मुख वाला दीपक आप जलाएं। आपको हमेशा किसी भी प्रकार का कोई कष्ट है या किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट है वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम 16 बत्तियों का दीपक। जी हाँ, 16 बत्तियों का दीपक बहुत ही महत्व रखता है हमारे जीवन में। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनके समक्ष रोजाना 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। 16 बत्तियों का दीप अगर आप भगवान के समक्ष जलाते हैं तो आप यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप पर बनेगी ही बनेगी। साथ ही साथ आप पर जो भी आर्थिक संकट है या किसी भी प्रकार के आप रोग से ग्रसित हैं वो रोग भी आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और धन धान्य से आप संपन्न बने रहेंगे। तो प्यारे मित्रों, आपके सामने मैंने आज ये जो दीपक होते हैं उनके बारे में बताया। इस प्रकार से 1 से लेकर 16 रुई की बत्ती वाले अगर दीपक आप जलाते हैं कि उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस भगवान के सामने कौन सा आपको दीपक जलाना है और उनसे क्या लाभ आपको होते हैं,
ये सारी चीजें मैंने सारी बातें आपको बताई। उम्मीद करती हूँ कि दी हुई जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अगर दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।